हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। और ये जो नॉवल है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब क्योंकि ऐसी नॉवल ना मैं ज़्यादातर मैंने रीड नहीं की है, बट कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मतलब आप लोग देखोगे इनकी पास्ट लाइफ जो है वो काफ़ी, मतलब ये कह लो कि अच्छी नहीं है, मतलब उनका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है इनका प्रेजेंट भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो क्या चीज़ें हैं और स्टोरी कैसी है ये मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, यानी स्टोरी की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो जो स्टोरी का नाम है वो है फोर्स्ड अरेंज मैरिज, ठीक है भाई, ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज कराई गई है, ठीक है। बाकी जो इसकी ऑथर है वो है नीशु और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो 30 और जो कि मैंने पूरे रीड कर लिए हैं। बाकी अभी ये स्टोरी के जो डेली चैप्टर्स हैं वो ऐड होते हैं। तो इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है श्रुति अरोड़ा और अरमान कपूर, और अरमान जो है उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है ईशान कपूर, ठीक है, जो कि 4 साल के हैं। और इस स्टोरी की जो रेटिंग है वो है 4.4, ठीक है। तो अब कहानी किस तरीके की है, तो देखो अरमान और श्रुति की जो है वो ये कहानी है। जो श्रुति है वो एक मासूम, चंचल और खुश मिजाज लड़की है, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि जो उनकी खुशियां हैं वो उनसे छिन गई। और वहीं दूसरी तरफ अरमान जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूड रहने लग गए और मतलब हार्टलेस इंसान जो है वो बन गए। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जो है ना वो उनकी वाइफ के जाने के बाद जो एकदम से रुक सी गई है, ठीक है। तो क्या होगा जब श्रुति और अरमान जो है वो मिलेंगे, क्या इनके मिलने से जो है इनकी लाइफ में खुशियां जो है वो वापस आएंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि इनकी ज़िंदगी जो है वो अलग अलग ट्रैक पर चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका इंट्रो था। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई क्या सीन है। तो अरमान जो है वो अपने बेटे की खुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये शादी करते हैं, ठीक है, श्रुति से। और देखा जाए तो देखो श्रुति के बारे में अभी उनको इतना नहीं पता है, और आप लोगों को भी पता चलेगा आगे जब आप लोग स्टोरी को रीड करोगे कि श्रुति के साथ पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि वो बहुत भोली भाली मासूम सी, मतलब वो किसी को जवाब नहीं देंगी, मतलब जो उनके भाई भाभी ने बोला उन्होंने वो किया, उस पर्सन से शादी कर ली, ठीक है, जिनसे उन्होंने बोला। तो अब क्या रीज़न था इसका, क्यों उन्होंने अरमान से शादी की और क्या है उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है उनके साथ, ये सब आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोगों को नॉवल को जो है वो रीड करना पड़ेगा, ठीक है। बात की जाए पास्ट लाइफ की, तो देखो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उनकी पास्ट लाइफ, बल्कि ये कह लो काफ़ी ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था उनका। और वही चीज़ जो है, अब देखो उनकी शादी तो हो चुकी है बट अरमान ने जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। और ये चीज़ पता भी नहीं है कि कब जाके वो एक्सेप्ट करेंगे, अभी तक जो है मतलब यहाँ तक आओगे ना आप लोग, मतलब हाँ लास्ट चैप्टर तक 30th तक आते आते आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ी सी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप टाइप तो फिर भी हो गई है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब फील तो करते हैं। हालांकि जो हमारी हीरोइन है उन्हें तो पता चल गया कि वो उनको पसंद करती हैं, बट वो डर रही हैं कहने से क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि भाई फिर उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। बाकी बात की जाए अरमान के बेटे की, तो उन्होंने जो है हमारी हीरोइन को वो अच्छे से एक्सेप्ट किया, उनको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और जो श्रुति है वो अरमान और ईशान दोनों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं, ठीक है। और इस स्टोरी की बात की जाए तो देखो थोड़ी बेसिक सी स्टोरी है, बट मुझे क्या लगता है ना कि ये जो स्टोरी है अभी तो देखो सही से चल रही है, बट आगे का मुझे नहीं लगता क्योंकि अरमान जो है ना वो इतनी जल्दी अभी मतलब निकल नहीं पाए हैं उन चीज़ों से, मतलब वो अपनी वाइफ को जो उनकी वाइफ जो है जिनकी डेथ हो गई थी वो उनके साथ अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। देखो ये कोई गलत बात नहीं है, कनेक्टेड है वो, टाइम लगता है चीज़ों को चेंज होने में, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो कुछ चीज़ों पर ना एकदम स्टिक होके रह चुके हैं कि भाई नहीं ये तो यही है। तो अब मुझे क्या लगता है कि ना अब देखो जब उन्हें एहसास हो जाएगा ना कि श्रुति जो है वो उनसे प्यार करती है, या फिर उन्हें भी फील हो जाएगा कि हाँ मैं जो है वो श्रुति को पसंद करता हूँ, ठीक है, तब मे बी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जो श्रुति है देखो अभी तो वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको अच्छे से मतलब अच्छी हो जाए उनकी मैरिज लाइफ, ठीक है। कोशिशें करती हैं वो अरमान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, उनसे बातें करने की, उन्हें समझने की, ठीक है, बट अरमान का कोई इतना खास पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होता है। तो
ये चीज़ें हैं। बाकी जब हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी ना, मतलब जब अरमान को फील होगा तब मुझे लगता है कुछ ऐसा होगा कि ये या तो इनकी याददाश्त चली जाएगी हमारी हीरोइन की, या फिर कुछ कोई ऐसा सा ट्रैक आएगा कि ताकि ना अरमान को रियलाइज़ हो कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रूड रहते थे श्रुति के साथ स्टार्टिंग में। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ ऐसा होता है। अब इस स्टोरी को लेकर ना मैं ऐसे नहीं कह सकती कि भाई जो हमारे हीरो हैं उन्होंने गलत किया या फिर हीरोइन ने गलत किया, क्योंकि देखो अरमान को भी नहीं पता है उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इन चीज़ों को लेकर अभी तक जो है अरमान को कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से अभी जानने की भी कोशिश नहीं की है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है, बट काफ़ी सिंपल स्टोरी है, बट इसका जो मैसेज है ना वो मे भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ खुद से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, मतलब खुद सोचो आप लोग, अगर स्टोरी को हम रीड कर रहे होते हैं हम उसको इमेजिन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए रीडिंग के लिए अवेलेबल है, अगर ऑडियो में भी अवेलेबल है तो भी आप लोग उसको इमेजिन ही करते हो। हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना ज़्यादा जो है वो रियल लाइफ से मतलब कनेक्ट करती है, बट ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई नहीं ऐसा किसी के साथ नहीं होता, मे भी बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों से भी कि भाई देखो बेशक ये दिखाया गया है कि वो काफ़ी भोली वाली हैं, बट आफ्टर मैरिज जो है वो उनका थोड़ा चुलबुलापन आ जाता है, फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि भाई देखो श्रुति जो है वो कोशिश कर रही हैं, हार नहीं मान रही वो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि भाई नहीं हार मान लेते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा मैसेज तो यही था ना कि भाई हार मत मानो, ठीक है, कोशिश करो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, उन्हें धीरे धीरे टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ें जो है वो सेट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ क्या है वो खुद सोचो आप लोग, वो ईशान जो है वो उनका बेटा नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से वो उनकी केयर करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, उनसे प्यार करती हैं, वो चीज़ कितनी ज़्यादा मैटर करती है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें काफ़ी सीखने वाली हैं, नहीं है? आप लोग खुद बताओ इसका मैसेज और क्या जाएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी फेमिलियर है काफ़ी लोगों के बीच में, और ऐसा टॉपिक है जो कि हाँ जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि फेमिलियर है, तो इससे जो है बहुत सारे लोग सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको किस वे में लेके जाते हो, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी इसके बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो स्टोरी काफ़ी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि काफ़ी सिंपल डिसेंट स्टोरी है, बट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट एक बार जाके आप लोग स्टोरी को रीड करना, सच में मुझे अच्छा लगा स्टोरी को रीड करके। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जब जहाँ पर नोकझोंक होती है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि भाई मुझे हैरानी हो रही थी कि भाई सच में ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें हैं, बट आप लोग भी जब फील करोगे इस स्टोरी में ऐसा है कि आप लोग जो कनेक्टेड फील करोगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग जब इसको रीड करोगे ना, आप लोगों को मतलब थोड़ा इमोशनल भी फील होगा, आप लोग थोड़ा सा हंसोगे भी, और कहीं कहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वाओ कितना अच्छा लिखा गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए आप लोग एक बार जाके स्टोरी को ज़रूर रीड करना। मुझे स्टोरी पसंद आई, शायद आप लोगों को भी आ जाए, बाकी आप लोगों की इच्छा है। देखो मैं फोर्स तो नहीं कर सकती किसी को, बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि स्टोरी अच्छी है, तो एक बार जाके आप लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे स्टोरी से रिलेटेड वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कही हैं आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.